सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सीबीएसई बोर्ड का बहुत बड़ा स्पष्टीकरण, जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। आपको बता दें कि 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को हटाए जाने की बात चल रही थी, जिसको सीबीएसई ने अपना जिस पर स्पष्टीकरण दिया है, इनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, क्या लॉजिक है नहीं हटाने का, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। बोर्ड का कहना है कि सामाजिक विज्ञान से अध्यायों को नहीं हटाया जाएगा, किसी भी अध्याय को नहीं हटाया जाएगा। जी हाँ, क्यों नहीं हटाया जाएगा इस पर भी क्लियर बात की है, और नहीं हटाया जाएगा तो उन अध्यायों का क्या होगा, तो बने रहें। कहा कि इन अध्यायों को बच्चे पढ़ेंगे और इनका मूल्यांकन आंतरिक आधार पर होगा। आंतरिक आधार पर मतलब स्कूली लेवल में इनका मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन में जो मार्क्स छात्र को मिलेंगे वो फाइनल स्कोर में परिलक्षित होंगे, फाइनल स्कोर में रिफ्लेक्ट होंगे। बोर्ड स्कूलों द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के रिकॉर्ड की जांच भी करेगा। सीबीएसई का कहना है कि सामाजिक विज्ञान के सभी अध्यायों का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाएगा। पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों और हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर बोर्ड ने कुछ अध्यायों को आंतरिक मूल्यांकन के हिस्से के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश थी कि इन अध्यायों को हटा दिया जाए, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि किसी भी अध्याय को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि इन अध्यायों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। बोर्ड को हितधारकों से अनुरोध मिला था कि छात्रों को 4 अलग अलग विषय यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के विशाल पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है। स्कूल आधारित मूल्यांकन की नई प्रणाली के तहत इन अध्यायों का आंकलन करने की सिफारिश की गई है। बोर्ड का कहना है कि लोकतंत्र और विविधताएं, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां अध्याय को अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस शिक्षा और प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो किसी भी अध्याय को हटाया नहीं गया है, इनका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो आपको सभी जो अध्याय हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, बस वही है कि इनका आंतरिक मूल्यांकन होगा और वो स्कूली लेवल में ही जो चेकिंग होगी और उसके बाद इसको आगे बोर्ड के नंबरों में ये। तो बच्चे इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और इसके रिगार्डिंग कोई आपको पूछना हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक।